जी व्यूअर्स, वेलकम टू टेक टीवीज एक्सक्लूसिव डिस्कशन टुडे। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। आज हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिका कन्वीनर और वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन जनाब नदीम नुसर साहब से। नदीम नुसर साहब महाजर रहनुमा हैं जो शहरी सिंध के हकूक़ के लिए उनकी एक तवाना आवाज़ है। वो उसमें बात भी करते हैं और सलूशन भी पेश करते हैं, और साथ साथ वो ये भी कोशिश करते हैं कि तमाम इकाइयां जो हैं, जो कि बिखर चुकी हैं, वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी हवाले से इकट्ठी होकर एक मरतबा फिर उस शहर को, उस शहरी सिंध के, अर्बन सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें, सर्विस कर सकें और वो आगे बढ़ सकें। आज नदीम नुसर साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत नवाज़ी से आपने अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला तारुफ कन्वीनियर MQM है, और वो MQM जिसने अपना उरूज देखा, वो MQM, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसमें आपकी कन्वीनियरशिप में हाईएस्ट अचीवमेंट्स की, आप चाहे वो इकनॉमिक हो, चाहे वो यूनिटी की बात हो, चाहे वो पार्टी के लेवल पे इंतज़ामी उमूर हो, या वो इंटरनेशनल लॉबिंग हो, वो सारी चीज़ें आप करते रहे हैं। और उसके बाद जब आपने एक नई डायमेंशन की तरफ गए तो भी आप उसी संजीदगी और बुर्दबारी से अपने आप को मेंटेन करके कैरी कर रहे हैं, और ये बड़ी बात अप्रिशिएट की जाती है तमाम हलकों में। और आपका जो ये सफ़र जुदाई का शुरू हुआ था, शायद इसकी वजह 22 अगस्त थी, जिसमें कि कायद MQM बानी MQM ने एक नारा लगाया था जज्बात में आकर मुद्दाबाद पाकिस्तान का प्रेस क्लब के सामने एक इजलास में। जब ये नारा लग रहा था 22 और 23 की दरमियानी शब, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं जिस दिन ये वाक़या हुआ तकरीर का, उस दिन उससे दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैं मुल्क से बाहर था, यूरोप में एक मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था, और मैं मुसलसल अपडेट भी करता रहा था कि क्या डेवलपमेंट चल रही है। कराची में भूख हड़ताल चल रही थी, बल्कि उससे पहले से भी डॉक्टर फारूक अत्तार लंदन आए हुए थे और हमने बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज भी कर ली थी आगे के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन वो वहाँ पहुँचे हैं और उधर भूख हड़ताल का ऐलान हुआ, और मैं एक मीटिंग के लिए यूरोप गया हुआ था। मैं जब सुबह जागा तो मुझे मैसेज आया, मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था ऑफिस से, लंदन ऑफिस से, कि इस तरह था भाई बहुत गु़स्से में हैं और वो सबको फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई तुम जमा हो वहाँ पे प्रेस क्लब पे, वहाँ से हम रेंजर्स हेड क्वार्टर जाएंगे और फिर ये होगा और वो होगा। खैर वो तो फिर तारीख है जो कुछ हुआ। साथियों ने कहा कि किसी तरह रोकने की कोशिश करें, जो गुफ्तगु बैकग्राउंड में जो टोन मैं सुन रहा था उसमें मैंने उनसे वाजे तौर पे कह दिया कि वो जिस गुस्से के जिस उसमें हैं फेज़ में, उसमें आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। अगर आप टेलीफोन का तार भी निकाल लेते तो वो अपने घर से कॉल कर लेते। तो फिर ये हुआ कि मैं फिर जहाज़ में चला गया, ढाई घंटे की सब फ्लाइट के बाद जब मैंने लैंड किया तो मेरे पास डॉक्टर फारूक अत्तार साहब का फ़ोन आया, और फिर और कई लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि ये सानहा बर्पा हो चुका है। तो इट वाज टू लेट बाय देन, कुछ करने की पोजीशन में कुछ था ही नहीं। तो फिर मैं वापस पहुँचा दफ्तर, जब उस वक्त भी वो शदीद गुस्से की हालत में थे, और लेकिन कराची में ऑपरेशन शुरू हो चुका था। तो मैंने उनसे यही कहा, डॉक्टर फारूक अत्तार से मैंने कहा था कि आप कुछ साथियों को लेके प्रेस क्लब चले जाएं, वजाहत कर दें कि ये एक कॉन्टेक्स्ट है सूरत हाल का जिसमें अल्ताफ़ भाई गुस्से में थे, उन्होंने बात कही है, ही डजेंट मीन इट। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है जो माहौल है उसमें यकीन तो कोई नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल वो प्रेस क्लब चले गए और वहाँ से वो अरेस्ट हो गए। मैंने फिर जब पहुंचने के बाद कहा कि इस तरह ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। खैर उन्होंने बात मानी और कुछ देर के लिए ब्रेक पे चले गए, और जब तक वो लाइन पे वापस आए हैं ऑपरेशन फैल चुका था, हैदराबाद का ऑफिस, कराची का 90 सब सील हो चुका था। उसके बाद उन्होंने फिर वो एक बयान लिखवाया जिसमें माफ़ीनामा था। तो ये बैकग्राउंड था कि मैं उस रात वहाँ नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने, लेकिन उसके बाद तो आप वहाँ थे ना, मतलब 2016 के इस नारे से 22 अगस्त से लेकर और तकरीबन नवंबर दिसंबर 2017 2018 के अवाइल तक आप उसके बावजूद उनके साथ रहे,
तो लोग और हमारा ये इम्प्रेशन है कि आप भी उस मुर्दाबाद के हक में थे शायद, या कोई मजबूरी थी ऐसी कि जो आपने उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ा था। मैं बिल्कुल मुर्दाबाद के नारे के हक में ना था ना हूँ, और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं कभी इस तरह के नारे की हिमायत करूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक हकीकत है और एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ये बड़ा अनफेयर होगा कि हम इस किस्म की बात करके उनके जज्बात को मजरूह करें। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के निज़ाम से हमारे भी इख्तलाफात। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मैं ये भी समझता हूँ कि जिस इरादे से पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान उसकी किसी भी तरह कासी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुर्दाबाद का नारा लगाएं। वहाँ रुकने का जो मकसद था लंदन में, वो बुनियादी तौर पर ये था कि MQM आज की सूरत हाल ने भी वाजे कर दिया है, और 92 के ऑपरेशन के बाद और उससे पहले भी ये बात तय हो चुकी थी कि MQM सिंध के शहरी इलाकों खसूसन महाजरों की नुमाइंदा तंजीम है, और अल्ताफ भाई उनके मुत्तफ़िका लीडर हैं, और ये रिपीटेडली इलेक्शंस में और दूसरे वाक़यात ने साबित किया था। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये थी किसी तरह सूरत हाल को सेल्वेज करें, जज्बात का शिकार होने के बजाय किसी तरह कोशिश करें कि सैनिटी प्रिवेल करे और अल्ताफ भाई की सियासत में वापसी का रास्ता हो। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए, लेकिन अगेन उनका जो भी फैसला था, उनका जो गुस्सा था जिसमें वो बातें कर रहे थे, वो सिर्फ 22 अगस्त को नहीं की गई, बल्कि 22 अगस्त के बाद, माफ़ी के बाद भी तसलसल के साथ, और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड मौजूद है, तसलसल के साथ वो बातें की गई आपके अपने प्रोग्राम में भी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो उन्होंने गाया, और भी जगह कहा, सियासी पनाह की अपीलें और अपीलें, फिर सिंधु देश के वो रियासत के सरबराह बन गए। तो एक ऐसी तरह की चीज़ें हो रही थी कि जिसमें हमने महसूस किया कि आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश कम नहीं हो रही बल्कि ख़त्म हो चुकी है। एक होता है कि आप का एक मौक़िफ आपके सामने का, आपका अपना मौक़िफ है, दोनों ठीक है, कम्प्लीटली प्रिवेल नहीं करते, लेकिन सिंथेसाइज होकर एक नई चीज़ सामने आ जाती, कोई गुंजाइश होती है मिडिल ग्राउंड की, वो मिडिल ग्राउंड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। तो जाहिर सी बात है MQM उनकी अमानत थी, उसमें रह के तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, जो पॉलिसी थी वो नहीं की थी, तो हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। आपने अपना रास्ता अलग करके फिर उसके बावजूद आपने शहरी सेंध और महाजिर रहनुमा के तौर पे अपनी तहरीक को जारी रखा और उसको एक नया नाम, एक नया रुख दिया उसका। आपने शायद पहले एक फ्री कराची था, फिर उसको ग्रेटर कराची या अजीम तर कराची, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ कराची, ये सब जो एक इवॉल्व हुआ, सारा एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ये क्या वजह थी इसकी, और आपका गोल क्या है कि शहरी सिंध में MQM जो काम नहीं कर सकी, क्या बाकी रह गया था, अब आप क्या करना चाहते हैं? वैसे तो हालात वहाँ के इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे ग्राउंड पे, तो इसका ये क्या वजह थी जो आपने तंजीम कायम की थी? देखिए, मैं अपने आप को आज भी MQM के उन कारकुनों में शुमार करता हूँ जिन्होंने ग्रास रूट से सफ़र शुरू किया, और मैं आज भी अपने आप को किसी रहनुमा की सूरत में नहीं बल्कि एक बुनियादी नज़रियाती कारकुन की सूरत में देखता हूँ। तारीख बाद में कितनी भी मस्त कर दी जाए, लेकिन हमने अपनी आँखों से चूँकि वो चीज़ें देखी थी कि छोटे छोटे स्टिकर्स होते थे जिसमें महाजिर पाँचवीं कौमियाँ जिंदा हकीकत, जीने का बस एक मनसूबा, महाजिर सूबा, ये हम जब मैं स्कूल में था, 9th पास करके 10th में आ रहा था, जब से मैंने काम शुरू किया उस ज़माने से जिम्मेदारियाँ उठाईं, और वो स्टिकर होते थे वो हम पील ऑफ करते थे, इतने मेरा हाल है कि वो 10x8 के या 10x6 के इस तरह स्टिकर होते थे, तो पीछे से उसको पील ऑफ करके हम जामे कराची की बसों में, KTC की बसों पे, जहाँ जहाँ मुमकिन होता था वो स्टिकर हम चिपकाते थे। उनमें महाजर कौमियत की बात थी, उसमें सूबे की बात थी, उसमें हकूक की बात थी, उसमें मैसूरीन की वापसी थी, उसमें कोटा सिस्टम की वापसी थी, अल्ताफ भाई का अपना, अजीम भाई के जो इब्तदाई दो उनके लेक्चर से जामे कराची में, और एक किताब था अजीम भाई का, नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का आलमी तस्वीर, फोकस महाजर कौमियत, अल्ताफ भाई का खिताब महाजर पाँचवीं कौमियत एक जिंदा हकीकत, एक लेक्चर वो फिर मुजल्ले में शाया हुआ, तो ये दो बुनियादें थी। फिर जब हमने देखा कि 86 के इलेक्शन के बाद सूबे का मुतालबा पीछे चला गया है, फिर ये आ गया कि पाकिस्तान का निज़ाम इतना ख़राब है कि हर शख्स ही परेशान है, मसला महाजरों के साथ नहीं है, सिर्फ सबके साथ है, क्योंकि मुल्क पर 2% तबके की हुकमरानी है, 98% जो है वो महरूम है, तो फिर 98% की हुकमरानी के तबके का नज़रिया आ गया।
फिर आगे चल के मुत्तहिदा की बात आ गई, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर हम महाजिर बन गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अलहदी के नारे भी लगे, उसके बाद फिर जनरल मुशरफ के दौर में हम पाकिस्तानी इतने बन गए कि हमने चाहे वो जलजला हो इस्लामाबाद पिंडी कश्मीर का, या सुनामी हो, हमने हर जगह जा जा के जो है वो लोगों की मदद की, सब कुछ किया, लेकिन जो हमारे अपने अपने मामला थे वो पसे पुश्त चले गए। और यही बुनियादी सबब था मेरी परेशानी का भी। मैं एक चीज़ मुख्तसर अर्ज कर दूँ कि मैं बार बार ये कह रहा था कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी कि एमकेएम की राबता कमेटी को लोग जहाज़ी साइज़ राबता कमेटी कहते थे। मैंने एक बार नहीं कई बार ये कहा कि इस कमेटी को जो कि सुप्रीम अल्ताबाई के बाद सुप्रीम काउंसिल थी, मैंने कहा इसको अगर आप बिठा लें और एक बोर्ड पे एक सवाल लिखें कि एमकेएम चाहती क्या है, और इन सबको एक एक पीस ऑफ पेपर दे दें कि आप चंद लाइनों में जवाब लिखें। तो मैंने कहा कि ये 50 अराकीन प्लस बैठें, बखुदा इन सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास ख़त्म हो चुका था, था ही नहीं। कोई मुत्तहिदा की बात कर रहा है, कोई रियलिज्म प्रैक्टिकलिज्म, जिसको उसको पता भी नहीं, खाक भी नहीं पता कि रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म होता क्या है। लोग हर तरह की बातें करेंगे, जो एक होता ना कि आपका लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि उसमें दो लोगों के या तीन लोगों के इत्तेफाकन जवाब आदे हो जाएंगे, लेकिन देयर वॉज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। मैंने फिर ये कहा कि देखें 1937 में पाकिस्तान का जो नारा वजूद में आया वो इस बुनियाद पर कि 1937 के इलेक्शन में मुसलमानों ने पहली दफ़ा महसूस किया कि हिंदुस्तान में जब जमहूरियत आएगी तो हम जहाँ हेड्स काउंट होते हैं वहाँ पे हम एक परपेचुअल माइनॉरिटी हैं, हम कभी भी इख्तदार में नहीं आ सकते। 17% मुस्लिम विल नेवर बी एबल टू रूल इंडिया डेमोक्रेटिकली। उस बुनियाद पे नारा लगा। मैंने कहा अगर आप सिंध की जो मारूजी हकीकत देखें, वहाँ भी भुट्टो साहब ने जो डिगिंग की थी सेंसस के अंदर, उसमें ये कर दिया गया कि शहरी आबादी को ना सिर्फ घटाया गया बल्कि मुसलसल इतना घटाया गया कि आप एमकेएम के प्लेटफॉर्म से सारी सीटें जीत कर भी 42 पर रुक गए, लेकिन आपके मुखालिफ जो है वो 100 सुपर सीटें हैं। लॉ बनाती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे एमकेएम के तीन साबिक जो वज़राए दाखला थे सिंध में, जब मैं वापस आया पलट के 2012 के एंड 2013 में, उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों से हमने 5000 पुलिस वालों को भर्ती कराने का जनरल मुशर्रफ से अप्रूवल लिया, लेकिन हम एक साल जो है सिंध के वजीर आला के पीछे घूमते रहे, फाइनली उन्होंने साइन करके नहीं दिया। मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट, क्योंकि सिंध में आप एक परपेचुअल माइनॉरिटी बना दिए गए हैं। आपको सिंधी कहा जाता है कि बन जाओ, लेकिन आप कभी महाजिर वजीर आला बनाया नहीं गया, कोटा सिस्टम की वजह से आपको बाहर कर दिया। सिंध के मसले का वाहिद हल ये है कि इंतजामी तौर पर आप खुद मुख्तार हों, सिर्फ महाजरों के लिए बल्कि जो भी सिंधी पंजाबी बलोची महाजिर सराय की पश्तून कराची में रहता है उसको उस बुनियाद पर उसका हक दिया जाए। तो ये बेसिकली वो हम सियासी जमात ना थे ना हैं, हम महज एक एजेंडा 1 पॉइंट लेके चल रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने टैक्स कलेक्ट कर सके और अपने मसाइल हल कर सके। तो यानी कि एक सेपरेट स्टेट विद इन स्टेट, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या एक सूबा कह लें या एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लें। मैं इस पर बात करता हूँ जी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों के दरमियान, वो तो मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये कि आपने एक ह्यूमंगस, एक जाइगेंटिक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात को के प्लेटफार्म को छोड़ के एक नया आपने रास्ता चुना, तो उस रास्ते में फिर कितने करोड़ लोग, कितने लाख लोग आपके इस फलसफे के आपके साथ शामिल हुए, या आज कितने लोग शामिल हैं आपके ग्राउंड पे, कितने लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनली कितने चैप्टर हैं आपके, क्योंकि इसके लिए तो एक बहुत वसाइल और मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो हमें तो ये देखने में आता है कि नदीम नुसरत एक आवाज़ हैं, एक शख्सियत हैं, बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, लेकिन लोग कितने हैं साथ आपके? हमारे पास एक मुख्तसर टीम है, और हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि अपनी इस टीम को बढ़ा सकें। एक वक्त ऐसा आया था कि ग्राउंड पे बहुत सारे साथियों ने कोशिश की कि हम इतना अपना बना लें कि अगर कोई यहाँ से पोस्टर या हैंडबिल निकालें तो वहाँ बांट सकें। तो हमने कोशिश की वहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो हमें वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं दी पैमरा से। मेरा एक इंटरव्यू ARY ने नशर किया 2020 में दिसंबर, और
आप अंदाज़ा लगाएं कि सैटरडे और संडे की दरमियानी शब थी, पैमरा के दफातर से संडे की सुबह 7 बजे जो है वो ARY को नोटिस आ गया कि आप इनका इंटरव्यू अब दोबारा नहीं दिखाएंगे, और उनको फ़ाइन किया गया, पाकिस्तान के मीडिया को रोका गया, इसी तरह वहाँ हमें काम करने की इजाज़त नहीं है। तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली एक एज एन एडवोकेसी ग्रुप है, और इलेक्शन का तो हमने पहले दिन से ये बात तहरीरी तौर पे बारहा कही है कि इलेक्शन के इस निज़ाम से, पाकिस्तान के मौजूदा आइन से हम किसी भी कीमत पर इत्तेफाक नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये आइन अगर सही होता तो आज पाकिस्तान के सारे जो हुक्मरान हैं वो बैगिंग बोल लिए फिर दुनिया में क्यों फिर रहे होते, पाकिस्तान की करेंसी की बांग्लादेश के मुकाबले में ये हालत क्यों होती, पाकिस्तान में जो क्राइम लेवल है, जो शहरी सिंध में क्राइम लेवल है, जो गुरबत है, सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। अच्छा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो सीटें हैं आपकी, जो आपकी जिसकी वजह से MQM जानी जाती थी, जिसकी वजह से अल्ताफ़ भाई जाने जाते हैं, आप लोग जाने जाते हैं, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात कहलाई जाती थी, बड़े बड़े सदूर और वज़ीर आज़म और बादशाहों ने सजदे किए 90 पे आके, अब इलेक्शन के निज़ाम में लाए आए बगैर, लेजिस्लेशन किए बगैर, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क़याम, तो आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो अब जो सूबे की बात है, आप ये बताइए, दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या सूबा बनाना, ये मैं सिंधी भाइयों की अपनी तर्जुमानी करते हुए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या सिंधा सूबा बनाना धरती माँ से गद्दारी है? क्योंकि सिंध सबकी धरती माँ है और वो कहते हैं कि धरती माँ से गद्दारी है कि सूबा बन जाए शहरी सिंध। धरती जो है वो इंसानों की माँ है, किसी एक तबके की माँ नहीं। नंबर एक, ये कायनात खुदा ने बनाई और मुल्क जो है उसकी मखलूक ने बनाए हैं। दुनिया की जो भी तारीख है उसमें आप देख लीजिए कि कितनी एम्पायर्स आई और चली गई, कितने ममालिक वजूद में आए चले गए। रियासत जो है वो रिलेटिवली एक नया नज़रिया है, पिछले 225 साल में ये डेवलप हुआ। दो बातें हैं इसमें कि हिंदुस्तान को तो आप फिर भी किसी हद तक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक धरती थी। जब 1947 में हिंदुस्तान धरती माँ, जिसकी एक प्रूवन 5000 साल से ज़्यादा तारीख है, जब हिंदुस्तान तकसीम होके इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो सकता है, पंजाब जिसकी एक तारीख, बंगाल जिसकी तारीख, वो 200 में डिवाइड हो गया, इसी तरह फिर पाकिस्तान से एक तीसरा मुल्क वजूद में आ गया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। तो जब ये तकसीम हो सकती है तो ये इसका मतलब है कि इस खित्ते की तारीख जो भी रही हो वो 1947 में। नदीम भाई, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया, और वो सवाल ये था कि क्या शहरी सिंध में सूबा बनाना पुरअमन तरीके से बग़ैर खून बहाए, बग़ैर खून खराबा किए मुमकिन हो पाएगा? मैं समझता हूँ कि रियासत जब जो बैठे हुए इलेक्टेड 2/3 मेजॉरिटी के हुक्मरान हैं, जब उनको वो किक आउट कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप सिंध के शहरी इलाकों को ही आप इंतज़ामी खुद मुख्तारी दें। 1947 से हमने देखा कि मौजूदा जो सूबाई निज़ाम है इसने आपकी यहाँ नस्ली असबियत को, इलाकाई नफरतों को प्रमोट किया, पाकिस्तान को में जो इलाकाई जो तकसीम थी उसको उसने रीइंफोर्स किया, स्ट्रेंथन किया। बंगाल को अगर आप उसी वक्त कई हिस्सों में तकसीम कर देते तो बंगाली कौमियत का नज़रिया इस तरह डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमने जो अंग्रेज़ों से मिली हुई हमें जो सरहदें थी, हमने ना सिर्फ उनको मेनटेन रखा बल्कि इनको रीइंफोर्स किया, उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी नेशनलिज़म का तस्वूर है वो कभी भी परवान नहीं चढ़ पाया। अगर अगर पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि देखें 47 से आज तक की पूरी तारीख आपके सामने है कि मौजूदा निज़ाम तो रिपीटेड फेलियर हुआ है ना इसका, तो जितने आपकी यहाँ डिविजन्स हैं उनको आप सूबे बना दीजिए, उसकी बुनियाद पे लोग जिस तरह अमरीका में रियासतें हैं, अमरीका रियासतें 50 बन के सुपर पावर है, आप 4 से 16 बन के आप कमज़ोर कैसे हो जाएंगे जनाब, आप भी ताकतवर ही होंगे। पूरी दुनिया इतने छोटे से प्रोग्राम में तो मिसाल नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि दुनिया में जो सूबे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और जो ग्रास रूट लेवल तक जो इख्तियारात हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे एफिशिएंट वे ऑफ ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, छोटे छोटे 80-80 सूबे ऐसे ऐसे मुल्क हैं, तो इस सूबे का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी असबियत की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर हो, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और इक्वल और उसकी फलाह के लिए होता है। आई टोटली एग्री। तो अगर इस फार्मूले को हम जहन में रखते हैं तो फिर आपका जो जुग्राफिया है शहरी सिंध के सूबे का,
उसमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, और क्या ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा हप हप मतलब अच्छा अच्छा तो हम रख लेंगे और जो सिंध के देही और पसमानदा इलाके हैं जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ तरक्की नहीं है, वो हम छोड़ देंगे, भाई तुम अकेले रहो, हमें नहीं पता तुम कैसे जियोगे। देखिए, सिंध पे सिंधियों की हुक्मरानी है 1947 से, उनके पास तो ऑलरेडी इतनी बड़ी विंडो रही, उन्होंने लाड़खाना तक को तो डेवलप करके नहीं दिया। दूसरी ये कि जो वॉइस ऑफ कराची ने जो नक्शा जारी किया ग्रेटर कराची का, ग्रेटर कराची से देखें पाकिस्तान की तारीख में अजीम तर बलोचिस्तान, अजीम तर पश्तूनिस्तान के नारे लगते रहे, ये वो नहीं है। लंदन जो है एक लंदन है, प्रॉपर लंदन कहलाता है, और एक ग्रेटर लंदन कहलाता है जिसमें जो सबर्ब्स हैं, इसी तरह और भी अमेरिका और कनाडा में शहर हैं जहाँ एक सेंट्रल सिटी है, उसके जो जब एक्सपेंड होता है तो उसको फिर ग्रेटर कहते हैं, जैसे ग्रेटर टोरंटो हो गया, ग्रेटर शिकागो हो गया। तो ये था कि कराची और उससे बाहर के जो मज़ाफात हैं उसमें हैदराबाद तक का है, उसमें कुछ इलाके जो है और भी शामिल हैं मीर ख़ास के, लेकिन उसमें तमाम महाजर इलाके शामिल नहीं हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिंधी इलाकों को एक्सक्लूड किया गया, ऐसा नहीं है कि समंदर सारा कराची, बल्कि अगर आप नक्शे को देखेंगे 60% जो है वो नॉन ग्रेटर कराची सिंध का, 40% लैंड जो है इसका पार्ट है, वसाइल से लेके शाराएं आबादी सब जो है बड़ी मुनसिफाना तरीके से हमने बैठ के हफ्तों इस पर काम किया था। और हम समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, खुदा ना खासा कि ग्रेटर कराची बन जाएगा तो सिंधी को जो है वो देहात मूव होना पड़ेगा या महाजिर को, ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम नहीं है, ये इंतज़ामी तकसीम है। जो सिंधी कराची में रह रहा है वो सिंध में ही रह रहा होगा, कराची में रह रहा होगा, जो वहाँ महाजिर रह रहा है या पंजाबी रह रहा है या बलोची रह रहा है वो वहीं रहता रहेगा। दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और रीड्रॉइंग, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मैनेजमेंट, यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आबादी बढ़ जाए तो नए शहर आबाद करो। कराची के साइज़ के, यानी कराची से कहीं छोटे 100 से ऊपर ममालिक हैं जनाब, और कराची जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी नहीं है, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इख्तियार जो है वो वज़ीर आला के पास है। कराची की सड़कें, कराची का कचरा, कराची में क्राइम, न्यू जर्सी एक तूफान में पूरा बर्बाद हो गया था, वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ के गवर्नर ने, क्योंकि उनके पास इतने इख्तियार थे, वहाँ की मुकामी हुकूमत ने पूरे न्यू जर्सी को उस सुनामी के बाद या उस हरिकेन के बाद दोबारा तामीर कर दिया। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये एथनिक बेस्ड नहीं है। ये एथनिक बेस्ड नहीं है तो फिर आपका जो तनकीद का निशाना है वो पीपल्स पार्टी ज़्यादातर क्यों बनती है, जो कि आपको मालूम है कि अक्सरियत सिंधियों की? ये पीपल्स पार्टी को सोचना होगा कि वफाकी पार्टी है या सिंधियों की पार्टी है। अगर एक्शन तो उसके सिंधियों की है, अगर पीपल्स पार्टी इस मैस की जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा ताकत में रही वो, सबसे ज़्यादा जो है अरसे उसने हुकूमत की, नॉन स्टॉप 15 साल उसको होने को आ रहे हैं, अगर आज भी कराची में या सिंध में ये सूरत हाल हो कि चंद मिनट की बारिश और फिर चंद हफ्तों की जो मैस हो जाए, तो जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी पर होगी। जब बिलावल हाउस जो है वो 200-300 जो है वो करोड़ का या 400 करोड़ का जो है वो बन जाए, और गरीब सिंधियों को जो है वो सर छुपाने की जगह न हो, सिर्फ आपने सरकारी मुलाजमतों को सियासी रिश्वत के तौर पे जो है बांट बांट के सिंधियों को खुश किया, आज सरकारी इदारे तनख्वाहों के बोझ तले दब गए, तरक्याती बजट होता नहीं है सिंध में, तालीमी इदारे जो है घोस्ट बन गए, मैंने आपने नहीं बनाए घोस्ट, पीपल्स पार्टी ने बनाए, तो जो रिस्पॉन्सिबल है आप उसी को क्रिटिसाइज करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये सारे मसले में जो एक बुनियादी फंडामेंटल चीज़ मिसिंग है, जो हम लैक कर रहे हैं, वो सेंसस है, मर्दमशुमारी? क्योंकि जब तक हमें हकीकत में पता नहीं चलेगा कि इस मुल्क के रहने वाले कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, क्या उम्रें हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ पे कितने ज़राए की ज़रूरत है, कितने वसाइल की वहाँ पे ज़रूरत है, कितना पानी चाहिए होगा, कितना सीवरेज चाहिए होगा, कैसी सड़कें बननी चाहिए, कितने पार्क, मस्जिद, स्कूल होने चाहिए, तो क्या मर्दमशुमारी पे भी आपका कोई एक प्रिंसिपल स्टैंस है या कोई मुतालबा है, या आप समझते हैं कि ये एक बुनियादी मसला है, इसको हल होना चाहिए पहले? मैं समझता हूँ, बल्कि शुक्रिया कि आपने पॉइंट उठाया, मैं समझता हूँ कि ये ही बुनियादी मसला है। अगर मर्दमशुमारी मुनसिफाना हो जाए, यानी खुद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब फरमा चुके हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, लेकिन आदाद व शुमार में 1.43 जो है करोड़ है, यानी 1.43 करोड़, यानी आपने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जेनोसाइड कमिट की है शहरी इलाकों में, यानी आपने 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी को आपने वाइप आउट कर दिया,
मसला ये है कि जहाँ एक आपने एमपीए दिया हुआ है वहाँ पे चार होने चाहिए थे या तीन होने चाहिए थे। यही जो बात मैं कह रहा हूँ कि जब आबादी को आप काउंट नहीं कर रहे तो आपको वसाइल भी नहीं मिल रहे हैं, और जब आप आबादी को काउंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो मुन्ना में पार्लियामेंट में जो आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। अमरीका जो है वो मैं यहाँ मीटिंग्स में बार बार कहता रहा हूँ कि जब बरतानवी जो है राज ने यहाँ पे 100 ईयर वॉर उनकी फ्रांस से चल रही थी, उन्होंने टैक्स यहाँ लगा दी। यहाँ पे जो क्राई उठती है वो यही थी ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसने वहाँ पे से बैठ के यहाँ टैक्स लगाया उसमें कोई अमेरिकन कॉलोनी से नुमाइंदा तो था नहीं। तो उनका नारा ये था ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टिरनी, यानी आप टैक्स हम पे लगा रहे हैं लेकिन हमारी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट में नहीं है। बिल्कुल। अगर आबादी अच्छा एक और प्रॉब्लम जो शहरी सिम के साथ खास तौर पर है ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पे सरकारी मुलाजमतों या कारोबार के लिए जिन्होंने अपनी दोहरी रिहाइश रखी है अब वो रह रहे हैं मर्दान में, चारसद्दा में, जो है वो गुजरावाला में, किसी और इलाके में रह रहे हैं, मतलब वहाँ पे पैदा हुआ है या कराची मूव हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना पता चेंज नहीं, मुस्तकिल शहरियत उन्होंने वहाँ की दिखाई है। कराची के वो पानी को यूज़ कर रहे हैं, सड़कों को यूज़ कर रहे हैं, बिजली को यूज़ कर रहे हैं, वसाइल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शुमार मर्दमशुमारी में हो रहा है उनके अपने आबाई इलाके में हो रहा है, उनका वोट यहाँ पे काउंट नहीं होके दे रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपकी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो आपकी कम होती चली जा रही है। अगर यही इस्टेब्लिशमेंट जिसको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्या उसको नज़र नहीं आ रहा है कि कराची की आबादी 1,43,00,000 किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, वो इस नान साफी को क्यों दूर नहीं करती। आज मैंने एक अभी वीडियो लॉग सुना है कराची के ताजर ने जो कराची में डकैतियाँ हो रही थी उस पर उन्होंने एक वीडियो लॉग जारी किया था, आज उन्होंने मदद कर ली। तो सोशल मीडिया पे यही सवाल चल रहा है कि उन हमारी जो कानून नाफिस करने वाले इदारे हैं उनको ये नज़र आ गया, उनका वीडियो लॉग उनको बुला के स्नैप किया गया, क्या किया गया गरीब के साथ, उन्होंने अपनी वजाहत कर दी, वापस ले लिया उसको। लेकिन जो कल ही एक दर्जन वीडियो चली हैं कि दंदनाती वो डाकू जन आते हैं और लोगों को लूट के ले आते हैं, कत्ल कर देते हैं, वो नज़र नहीं आता। तो कराची के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी में सिर्फ पीपल पार्टी शामिल नहीं, ये सिलसिला ऊपर तक जाता है, ये सिलसिला ऊपर तक जाता है। मैं वापस आऊँगा तो आपके MQM के सफ़र की तरफ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है आपका। और जब MQM 2016 के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में बटी तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ और रियासत समेत मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, करप्शन या फॉरेन फंडिंग ली, रॉ से ली, फ़लाना ली, ढमकाने ली, और आप तो उसमें उस पूरे अरसे में MQM के साथ थे। तो अब या तो आप उसको झुटला सकते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, या आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो देन यू आर द पार्ट ऑफ इट, यू आर द हेड ऑफ MQM एज ए कन्वीनियर। तो ये जो करप्शन और ये इस तरह के जो इल्ज़ाम थे इसमें कितनी हकीकत और सच्चाई रही? अनिल भाई मैं 2000 में जो है बीमारी और आपने छोड़ दी थी जी सारी वजूहत की बुनियाद, जनरल मुशर्रफ का जो इसको MQM का गोल्डन दौर कहा जाता है वो उससे लेके फरवरी 2013 में जब पीपल पार्टी की आप हुकूमत से बाहर आई उस पूरे दौर में मैं वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैं छोड़ कर गया हूँ, कल रात भी बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था कि MQM पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए भी गए। मैंने कहा एक इल्ज़ाम सन 2000 तक जब तक मैं छोड़ के गया हूँ अब वो इल्ज़ाम MQM पे नहीं लगाया जा सकता था, और वो था करप्शन का। मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान की तारीख की सबसे साफ़ सुथरी जमात थी, लेकिन बदकिस्मती से जब 2012 में मैं अपनी वालदा के इंतकाल पर लंदन गया और इतला हुई कि मुझे सब इंतजाम MQM ने किए और अल्ताफ़ भाई से मेरी मुलाकात भी हुई, तो एक खबर फैल गई सब जगह, तो लोगों ने जो मुझसे रबता किया और जो बातें मुझे बताई गईं, और मुझे बाकायदा जहाँ अल्ताफ़ भाई की तरफ से बुलाया जा रहा था वहाँ लोगों की तरफ से भी दबाव था कि आप जाइए, और उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें अगेन मेरे पास कोई अदालत नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी अपैरेटस नहीं है कि मैं वेरीफाई कर सकूं, लेकिन जो मीडिया की इतलात थी, जो लोगों की इतलात थी, जो विक्टिम्स थे, उन सबका कहना ये था कि MQM के जो ऊपर की जो टीयर है उसके काफ़ी लोग, मैं ही नहीं कहूँगा तमाम लोग, एक सिग्निफिकेंट जो है जो तादाद है वो करप्शन में इन्वॉल्व थी। मैं समझता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में जो PTI को वोट पड़ा वो PTI को वोट नहीं पड़ा बल्कि MQM से नाराज़गी का इजहार था, वो उनके MQM के लोगों ने वाकई यानी जो
तंदीमी जो उठापटक हुई 2013 मई में, वो फीडबैक जो लेके गया मैंने शेयर किया अल्लाह भाई से, और फिर बहुत सारी चीज़ों के मैंने नाराज़गी इनके इनके अपने लोगों की फेस की। एक साहब ने चलते चलते नाम लगा दिया कि मेरा रॉ से जो है वो उन्होंने ताल्लुक करवाया। वो मैं उसकी वजह ये थी कि उनके भाई चाइना कटिंग के किंग थे कराची में, मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की आप सेक्रेटेरिएट से बैठ के खुदा रहा ये काम ना करें, पैसे आप बना रहे हैं, बदनाम वो जमात हो रही है जिसके हज़ारहा लोगों ने अपनी ज़िंदगियां और लाखों लोगों ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाया है। अगर कोई बैठ के सेक्रेटेरिएट से केबल चलाएगा और केबल डाउन कहलाएगा कराची में, या सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ किसी का भाई, किसी का दामाद, किसी का भतीजा, किसी का भाई, राबता कमेटी का रुकन, उसका कोई भाई बैठ के कराची में या ज़मीनों का कब्जे कराएगा, तो उसका रिफ्लेक्शन एम के एम पे नहीं है कि अल्ताब भाई की ज़ात के बहुत सीरियस आ रहा जी। वो इन चीज़ों में बदकस्मती से इसका नुकसान हमें हुआ। जहाँ तक आपके दूसरे दामाद की बात है, तो मैं मेरे एक बात ये कहूँगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एमआई और आईएसआई के दो सरबराहान लंदन आए और उन्होंने आकर अल्ताब भाई से तफसीली, मैं नहीं था सर, अल्ताब भाई ने बात बताई और फिर एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इसको इसकी तस्दीक भी की कि नशिस्तें हुई उसमें उन्होंने बैठ के ये कहा कि एमक्यूएम पर फला फला इल्ज़ाम। तो 1992 में एमक्यूएम एक साफ़ सुथरी सियासी जमात थी, उस पर इल्ज़ाम पता है नज़र, लेकिन एमक्यूएम महाजर हकूक के लिए डट के खड़ी। 1992 में एक इंडिविजुअल जनरल आसिफ नवाज ने फौज के इदारे की पॉलिसी नहीं थी, फर्द वाहिद की गरज थी, नाराज़गी थी, पर्सनल एजेंडा था, उन्होंने पूरे इदारे को झोंक दिया, हकीकी बना के एमकेएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। तब एमकेएम को दाव पर लगा दिया गया, एमकेएम महाजनों की सियासी नुमाइंदगी को दाव पर लगा दिया गया। मैं लंदन में अल्ताब भाई के साथ मौजूद था, मैं उनके साथ ही लंदन पहुँचा था। 1987 से मैं 90 पर रहता था, जब उनकी फैमिली हटी और फिर 90 को दफ्तर के तौर पर बनाया गया, तो मैं और डॉक्टर इमरान फारूक शहीद हम दोनों परमानेंट 90 पर ही रहते थे। मेरे शनाख्ती कार्ड पे जो पता था वो भी 494/8 जो है वो आखिरी जो मेरा शनाख्ती कार्ड रहा उस पर वही पता था। तो हम वहाँ पहुँचे और ऑपरेशन शुरू हो गया। हमारे पास बाखुदा इतने पैसे नहीं थे कि हम घर का किराया दे सकें और ऑपरेशन शुरू हो गया। अब किस तरह उससे निकले हैं, आपने एक जमात को दीवार से लगा दिया फॉर नो रीज़न। अब उसके बाद जब आपने पहल की और जवाब में कुछ होता है, एक जमात को अपने सर्वाइवल के लिए जो है कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आपने इस सवाल पर मतलब आपसे मुराद अगर आवाम ने करना है, किसी ने भी करना है, फिर एहतसाब फिर एक ऑर्डर में की वहाँ से कीजिए जहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, और फिर इस सवाल पर गौर कीजिए कि अगर आपने एक पूरा एक जवाब क्रिएट किया है तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए, चींटी भी कहते हैं अपने दिफा के लिए जो है सब कुछ करने पर मजबूर हो जाती है, आपने पूरी जमात को दीवार से लगा, उसने अपने साथ के लिए जो कुछ करना था उसको करना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही थी कि भाई ठीक है, आपने हमारे लोग मारे, हमारे लोगों ने आपके मारे, लेट्स कॉल इट अ डे और एक क्रूज करें, आगे बढ़ें। और किस्मत से 2013 में जो फिर अगेन एस्टेब्लिशमेंट की में जो कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने दोबारा इल्ज़ाम शुरू, फिर बात ये थी कि अगर आपने एहतसाब करने तो भाई जो 25,000 महाजन मारे गए उनको किसने मारा? आप एमकेएम से सवाल कर रहे हैं कि आपने रॉ से मदद ली, आपने जापान से ली, आपने चाइना से मदद ली, फिर ये 25,000 जो लोग आपने मारे हैं इनका भी एहतसाब कर लीजिए। अगर आप इनका एहतसाब नहीं कर सकते, इनको इनके कातिलों को आप जो है सज़ा नहीं दे सकते, अगर आप जो लापता लोग हैं उनको ना नहीं ला सकते, तो फिर एमकेएम से भी सवाल मत। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि कराची में मौजूद इस वक्त महाजरों के नुमाइंदा ग्रुप्स, उसमें से पार्टीज़ कह लें, आप सियासी जमातें कह लें, फैक्शन कह लें, डिफेक्शंस कह लें, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान है, हकीकी है, पीएसपी है, फारूक भाई हैं, सलीम हैदर हैं, ये सब हैं। अक्सर व बेशतर हर थोड़े दिनों के बाद सोशल मीडिया पे एक सवाल उठता है कि ये लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, ये लोग यूनाइट क्यों नहीं हो जाते। इस सिलसिले में आपने क्या कोई कोशिश की या कोई अपनी तरफ से
پیش قدمی ہوئی آپ کی جانب سے؟ بالکل، کہ ہم سب نے مل کے ایم کیو ایم کی پرورش کی، ہم سب کا اپنا چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا جس کا بھی جو رول تھا سب نے پلے کیا، اور ایم کیو ایم جس طرح وجود میں آئی اس کا ایک مخصوص اسٹرکچر کہ وہ ایک سنگل لیڈرشپ کے اراؤنڈ ایوالو کر رہی تھی، تو جب وہ مائنس ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس جو باقی لوگ تھے ان کا ویٹ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، تو اب آپ ایک نیا اسٹرکچر جب بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو پاس ریفرنس ہے وہ بڑا ڈفرنٹ ہے، یعنی ایک انتہائی قداور شخصیت پھر کہاں جو ہے بہت ہی، اور پھر بس قسمتی سے یہ بھی ہوا کہ لیڈرشپ ہماری یہاں کوئی یا تو بننے نہیں دی گئی یا بن نہیں سکی، ایک ریپیٹ ایک سسٹم رہا کہ ہر چند مہینے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ماتوب ہماری یہاں کیا گیا، تو وہ لیڈرشپ بن نہیں پائی۔ تو میرا بار بار یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے اس خلا کو پر کرنا ہے تو آپ سب نے ایک ہونا ہوگا، اگر آپ 100,000 ووٹ نہیں لے سکیں گے 50 بھی لے لیں گے نا تو بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، پھر ایسا ایسا لوگوں پہ ٹرسٹ آ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے انائیں جو ہیں لوگوں کی، خاص طور پہ اس میں کھل کے کہوں گا ایم کیو ایم پاکستان کا سب سے بھیانک رول رہا، ان کے جو کنوینر ہیں اور پھر ان کی جو ایک وفاقی وزیر مستقل وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عہدے پر رہتے ہیں، نام بتائیں، فیصل سبزواری صاحب، انہوں نے دونوں نے تقریریں فرمائی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک سمندر ہے، وہ کسی میں شامل کیسے ہو جائے، سمندر تو کسی میں شامل نہیں ہوتا، اس میں ہی دریا گرتے ہیں، اسی میں سب کچھ گرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن لڑا، میں نے اس کے بعد بھی میسج دیا کہ بھائی اس الیکشن کے رزلٹ میں جس طرح آپ ذلیل ہوئے ہیں الیکشن میں، اس سے ثابت ہو گیا آپ نہ تو سمندر دریا، آپ تو جھیل بھی نہیں ہیں، آپ تو شاید ندی نالے کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس حقیقت کو ریئلائز کر لیجیے، یہ ایم کیو ایم آپ کو حساسی طور پہ مل گئی تھی، اس کے پیچھے 25,000 سے زیادہ جانے، لاکھوں لوگ برباد ہوئے ہیں، یعنی نسلیں جو ہیں پورے پورے بستیوں کے محاصرے ہوتے تھے، لوگ برباد ہو گئے۔ اگر ریاست کا ایک رویہ ہے کہ وہ الطاف بھائی کو نہیں آنے دے رہی، تب آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو کس نے اختیار دے دیے کہ آپ ہی کھڑے اعلان کریں کہ سب کو ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے؟ یہ جس ایم کیو ایم کو آپ سمندر سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ 22 اگست کو ختم ہو چکی تھی، وہ ایم کیو ایم موجود ہی نہیں تھی، اس ایم کیو ایم سے انالوجی بنانا ہی بنیادی طور پہ بددیانتی تھی، آپ اس کا ایک بہت چھوٹا سا مائنیوٹ سا ٹکڑا تھے، تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ باقی ٹکڑوں کو ملا کے کہیں نہ کہیں صورتحال کو سیلویج کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بدقسمتی سے پتنی کس شان کی دنیا میں یہ لوگ رہ رہے تھے اور آج تک رہ رہے ہیں۔ کہ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ فاروق بھائی تیار ہو گئے تھے، ڈاکٹر سلیم حیدر جو ہیں وہ ہر طرح کی اس کے لیے تیار تھے۔ آج کون تیار ہے یہ بتائیے نا، مطلب تھوڑی بہت نرم رویے لچک کس میں ہے؟ سب تیار ہیں سوائے ایم کیو ایم پاکستان۔ تو کیا مطلب ایم کیو ایم پاکستان حرف آخر ہے کہ وہ تیار ہوگی؟ کہ آپ لوگ خود سے ایک ایسے کریٹ فنامنا نہیں کر سکتے جو کہ وہاں کی آبادی کے کم از کم آنسو پوچھ سکے، ان کے مسائل حل کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں، جس سے دیکھیں میں نے ایک بات، الیکشن میں زیادہ دن نہیں رہ گئے ندیم بھائی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں نے تو ابھی بہت ریسنٹلی بھی کہا ہے کہ میر پور خاص میں 2015 میں الطاف بھائی کے خطابات پر پابندی تھی، ہم نے الیکشن لڑا اس زمانے میں، جو پی ایس پی میں جو لوگ ہم میں سے ایک صاحب نے وہاں پہ اپنا پورا پینل کھڑا کر دیا تھا، اور ہم نے الطاف بھائی کو خبر بھی لگنے نہیں دی، میں نے کئی دفعہ وہاں کارکنوں کے سیشن سے خطاب کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہر دور میں آپ کی قیادت کھڑی ہوئی وہاں پہ، انہوں نے حالات سے نکالا، اب آپ کی قیادت کی خطابت پر پابندی، اب آپ نے راستہ بنانا ہے، اور ساتھیوں نے ان کی ہمتوں کو شاباش، انہوں نے سویپ کر دیا میر پخا، اب ایم کیو ایم پاکستان لڑی ٹوٹل وہاں سے میر پخا سے فارغ، حیدرآباد میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں، کراچی میں اے این پی سے مل کے میاں مولانا فضل الرحمان سے مل کے، پیپلز پارٹی سے مل کے، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جماعتوں کو آپ ہدف تنقید بناتے رہے، جن سے زندگی بھر آپ نے ہمیں لڑایا، اب آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ایک کینڈیڈیٹ آپ کے سارے گروپ، پہلے تو یہ تھا بلدیہ ٹاؤن میں کہ اگر آپ کے سب ووٹ ملا لیتے سارے فیکشنز کے ایم کیو ایم کے پرانے تو شاید آپ جیت جاتے، لیکن جو لاسٹ الیکشن ہوا اس میں تو آپ کے کمبائنڈ ووٹ بھی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کم تھے۔ اب ایک کراچی میں پوری ایک نسل جو ہے وہ ایسی آ گئی ہے جو ڈسلوژنڈ ہے، جو جینونلی اب پی ٹی آئی کو اپنی جماعت اور اپنا نمائندہ سمجھ رہی ہے، اور یہ جو ستیہ دھارا ہے یہ کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیلئر ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ایوالو ہونے سے انکار کر دیا، جو لوگ 70s 80s میں لیڈر بن کر آئے وہی ایم این اے بنتے رہے، وہی میئر بنتے رہے، وہی رابطہ کمیٹی کے اراکین بیٹھے رہے،
अगर हमने बचाना है एमपीएम को तो उसका हल यही है कि सारे लोग अपने खिलाफत ख़त्म करके दोबारा जो है एमपीएम को यूनाइट करें और उसके बाद अपनी अपनी राह लें, नौजवान नस्ल को जो है पावर जो है वो ट्रांसफ़र करें। मैंने एक बहुत आपका मैं वक्त दे रहा हूँ लेकिन एक मिसाल दूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछा गया कि आप तो बड़े मुखालिफ थे हिंदुस्तान की तकसीम के, कांग्रेस बड़ी मुखालिफ थी, ऐसा कैसा हो गया कि कांग्रेस ने जो है वो आखिरी दिनों में जो है वो बिल्कुल इस पर हथियार डाल दिए। तो उन्होंने एक मिसाल दी कि कांग्रेस की जो लीडरशिप जो है उन्होंने कहा उस सामने रख के उन्होंने कहा कि जो एक इंसानी ज़िंदगी जो है और एक जो दिन होता है टिपिकल डे इन ह्यूमन लाइफ, उसमें एक उन्होंने एनालॉजी क्रिएट की कि जब एक आदमी सुबह सुबह बेदार होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको अगर आप कहें कि भाई तुम्हें 20 रुपए में 40 बोरियाँ उठानी है वो उठा लेगा, लेकिन वही आदमी जो है उसको अगर दोपहर में जब वो खाना खाता है फिर बॉडी उसकी स्लो डाउन होती है, आप उससे कहें मैं 40 रुपए दूंगा और 20 बोरियाँ उठा लो तो वो शायद ना करे, कहकर मैं हाफ पे काम करूँगा। और फिर एक वक्त आता है असर का, जिसको उन्होंने कहा है कि असर के वक्त जब आप उससे कहें कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तुम 10 बोरियाँ उठा लो, उसकी ख्वाहिश होगी कि घर जाए खाना खाए बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारे और सो जाए। तो उन्होंने कहा मसला ये था कि जब 1920s में जो है वो हम लोग सुबह के वक्त में था हमारी लीडरशिप, 30s में जो है जोहर में आ गई थी और 40s में जो है पूरी लीडरशिप अपनी उम्र की असर में आ गई। बिल्कुल। तो एमपीएम की ये लीडरशिप है ये जोहर फजर जोहर असर मगरिब इशा से भी निकल चुकी है जी, अब ये तहज्जुद और इशा के दरमियान है। अगर इन्होंने नई लीडरशिप नहीं बनाई तो ये आप और हम जो बात कर रहे हैं शायद अभी कुछ बात करने वाला नहीं बात कर। ठीक है, आपसे जो मैंने सवाल करने थे वो तो कर लिए, मुझे कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं और ये मैं अपना फ़ोन उठाऊंगा और उसमें ट्विटर पे आपके नाम पे सवालात हैं जो कि जो जैसा है मैं वैसे ही पढ़ दूंगा, आप उसको जैसा मुनासिब समझे जवाब दे दीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे अरसलान साहब ने एक सवाल किया है, कहते हैं कि हमने देखा कि किस तरह महाजे शनाख्त का सौदा हुआ और किस तरह हमें सिंधी बनने का दर्स दिया गया और किस तरह बायकॉट के ज़रिए हम पर गैर मुकामियों को मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? असलम साहब का तजिया दुरुस्त है, बदकस्मती से मैंने उसी तरफ इशारा किया कि हमारे यहाँ महाजिर से मुतहदा और कभी 98% की हुकुमरानी, कभी हक़ खुद इरादियत, कभी सूबे की बात कर रहे हैं, सूबे की तहरीक चला रहे हैं, जुनूबी सूबे की तहरीक चला रहे हैं, सिंध वन और सिंध टू की बात कर रहे हैं, एक तसलसल नहीं रहा, कोई हमारे पास फिक्स्ड जो है वो एक गोल नहीं रहा। और पिछले 3-4 साल में मुझे आप गालियाँ दे दीजिए, मतलब एम के एम लंदन की तरफ से मुझे बहुत बुरा भला कहा गया है, मैंने जवाब कभी नहीं दिया ना मैं कभी दूंगा, बल्कि किसी को भी मैं बुरा भला कभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपने तो आज तक अल्ताफ भाई को कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं देखें रास्ते अलग हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़ात की तरफ से उनका एहतराम या बाकी किसी का भी एहतराम। वैसे उनके दिल में भी आपके लिए बड़ा एहतराम है, मेरी जो उनसे चंद मुलाकातें हुई हैं वो जब भी आपका जिक्र हुआ तो उनकी आँखों में मैंने भीगी हुई आंखें पाई और मतलब ये मैंने देखा है, क्योंकि वो उन्होंने आपको ग्रो होते हुए देखा है और बहुत क्लोज रहे हैं आप। ये एक ह्यूमन पार्ट है और ये है एक चीज़, आपको भी याद तो आते होंगे वो दिन। जी, तो वो बहरहाल एक जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा है, एक 76 तो मैं ये कहूँगा अरसलान साहब की बात पे बदकिस्मती से कि हमारा जो है वो जो इख्तलाफ रहा उसी बात पे रहा कि मनीष भाई मैं जब पाकिस्तान से निकला हूँ तो मेरे वालदैन हयात थे, मेरे दादा दादी मेरे नाना नानी हयात थे, मेरी खालाएँ पुपियाँ सब हयात थे, मेरे वालदैन का इंतकाल हुआ मैं उनके जनाजों में शरीक नहीं हुआ, मेरे दादा दादी का, मेरी नाना नानी का इंतकाल हुआ, मेरी बड़ी बहन जिनसे मैं 1988 से नहीं मिला था वो सऊदी अरब में थी जब मैं मुल्क से निकला हूँ, और जब मैं जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं मुझे निकले हुए मुद्दतों हो चुकी थी। इसी तरह जो है वो कई नस्लें जवान हो गई, मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर भी एक विक्टिम हूँ ना, मैं जिला वतन हूँ और मेरी तो खैर शायद कोई भी हैसियत नहीं इस कुर्बानियों की इस दास्तान में, लेकिन एक बड़ी लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस तारीख के लिए,
नस्लें बर्बाद हो गई। आज पलट के हम देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या खोया। अभी जो 90 को आग लगी, 90 सिर्फ अल्ताफ भाई की रिहाइश का नहीं था, 90 करोड़ों महाजरों का सियासी मरकज था। बड़ी खुशियां देखी हैं लोगों ने वहाँ। किसी को कहीं खाना नहीं मिलता था तो वहाँ चला जाता था, किसी को कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिलती थी तो वहाँ चला जाता था। अब वो जब 90 का आप सुनेंगे तो दुख तो होगा, लेकिन बदकिस्मती से कि हमने अपना एहतसाब कभी नहीं किया कि हमने लोगों की ख्वाहिशात, उमंगों, उनके ख्वाबों को मलियामेट कर दिया। लोगों ने हमें जो वोट दिए थे, नोट दिए थे, अपनी जिंदगियां दी थी, वे ख्वाब के लिए दिए थे कि महाजरों का पाकिस्तान के अंदर कोई ठिकाना होगा, कोई उनके सियासी मुस्तकबिल का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त हो पाकिस्तान के अंदर, जो ख्वाब लेकर आए तो अब ताकि उन ख्वाबों को तकमील दे सकें। आ रही है कि लोग खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में और गोली चलाते, वो लोग आते हैं, अभी लंदन से बच्चा गया आइसक्रीम खा रहा है, मजामत, मतलब उसने वॉलेट देने से इनकार किया, सर पे गोली मार के चले गए। आज वहाँ जिंदगी महफूज नहीं है, आज 78 में हम जहाँ खड़े थे। लेकिन लीडरशिप जो है वो इस बात पर आज भी बदकिस्मती से नहीं करी कि भाई आपने कौम को देना क्या था और कहाँ ले आया। ये हमने, अगर मैंने कुर्बानी देनी होती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिंधी ब्रदर्स, कोटा सिस्टम के नाम पे आपने सिंध को 200 में तकसीम किया, आपने अंदरून सिंध फसादात करके ज़मीनों पर कब्ज़ा करके महाजरों को निकाला। सिंधी रहनुमाओं से मेरी बात हुई, जब सार का इजलास था हमारे को सिंधी भाई आए, मैंने उनसे कहा कि देखें 70s तक शायद महाजरों को आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन 70 के बाद जब से भुट्टो साहब पावर में आए आप महाजरों को ब्लेम नहीं कर सकते, आपने तकसीम किया है सिंध को। मैंने कहा अगर आप ये कहें कि भाई अब अगला वज़ीर आला महाजर होगा उसके बाद फिर सिंधी, तो मैंने कहा कि आप एक स्टेप लीजिए, हम दो स्टेप लेते हैं। आप ये कहें जब सिंध पूरा एक है तो कोटा सिस्टम क्यों रखा गया, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं अपने सूबे को, तो मैंने कहा फिर हम जो है वो दो स्टेप लेंगे। लेकिन जब आप ये कहें कि बिहारी ना खपन, लेकिन आप 40 लाख अफगानियों को ले आए यहाँ पर, आप कहें कि सिंध में रहने वाले सब सिंधी हैं, लेकिन आप कहें कि महाजर वज़ीर आला नहीं बन सकता, आप ये कहें कि कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं कर सकते, सिंध में खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो मैंने कहा कि तकसीम के ज़िम्मेदार तो आप हैं, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। और जब आपने तकसीम बना दी है, मेरी शनाख्त महाजर है, मुझे इस पर फ़ख्र है। जो मैंने मिसालें 10 दफ़ा दी हैं कि एक कारकुन होता था शाह फैसल में, आफ्ताब उमर, जब वो शहीद हो रहा था, पुलिस की गोली लगी उसके, तो उसने अपने खून में डुबो के जिए महाजर लिखा। और एक नहीं, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। लोगों ने मौत कबूल कर ली, अपनी शनाख्त से इनहराफ नहीं किया। अब आप फिर अचानक कह दें इन द मिडल ऑफ द नाइट के भाई, एक आदमी आके अजरक पहना दे कि भाई अब हम जो हैं वो उर्दू बोलने वाले सिंधी हो गए, आप हो सकते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं 78 से जो सफ़र शुरू हुआ है, मैं आज तक वहीं खड़ा हूँ, मैं एक कदम पीछे नहीं हटा। और मैं समझता हूँ कि अरसलान साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है, हमें दोबारा बैक टू बेसिक्स पर जाना होगा और वही हमारी बुनियाद। एक सवाल और शामिल करते हैं, आयशा बतूल इनका नाम है, और इन्होंने कहा है कि इस वक्त कराची को गैर मुकामियों की बड़ी तादाद ने यरगमाल बना लिया, जिसका आपने अपने जवाब में जिक्र भी किया है, और कराची की तमाम जमातें खा वो लंदन ही क्यों ना हो, इस गैर कानूनी कब्जे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तो दूर, इसकी मजम्मत भी नहीं करते, इस गैर मुकामी गुंडागर्दी को कैसे रोका जा सकता है। और ये आयशा के इसी सवाल में मैं एक और अपना भी जुमला सवाल शामिल कर दूँ कि पाकिस्तान और श्रीलंका का क्रिकेट मैच होता है, पाकिस्तान फाइनल में हार जाता है, हम सबको दुख होता है, और कराची के एक शहर के एक इलाके में जो है वहाँ पे जश्न मनाया जाता है, वहाँ पे अफगानी जो है वो झंडे लहराते हैं अफगानिस्तान के, और हमें नहीं लगता कि हम आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लगता है कि हम पे किसी और ने कब्ज़ा किया। ये आयशा बतूल का सवाल का मेरे ख्याल में बुनियादी सिलसिला यही है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं लेकिन महसूस नहीं होता कि हम सब वहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल से महाजरी पाकिस्तानी थे शुरू में, और अभी आपने देख लिया कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, अभी शहबाज गिल साहब के कपड़े उतारे गए तो लोगों ने, मोहित पीर दादा जो हैं साथी हैं, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा, उनकी ट्वीट जी। कितने लोगों ने कह दिया कि जो है वो पाकिस्तान को ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया बल्कि लोगों ने झंडे जलाए, उन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहरमती की कई लोगों ने। मैंने यही उस पर कहा था कि जनाब हमारे खिलाफ 92 के ऑपरेशन में तो आप कपड़ों की बात कर रहे हैं, लोगों की जिंदा लोगों की खालें उतारी, हमने तो उस वक्त भी मुर्दाबाद नहीं कहा, आप एक दो कपड़े उतारे आप मुर्दाबाद पर आ गए, से अंदाजा लगा लें कि आपकी और हमारी
हुब्बुल वतनी में कितना बड़ा फ़र्क है। आपकी जो हुब्बुल वतनी है वो इख्तदार और पैसे और मराद की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट है कि वहाँ से पैसा आ रहा है, आप बिल गेट्स हैं, आप जेफ बेज़ोस हैं, और पाकिस्तान आपके लिए अमेज़न है। हमारे लिए पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। आपका हमारा वो जो कमिटमेंट है वो एक कभी हो ही नहीं सकता। अब मसला क्या है कि गैर मुकामी की, मैं अनिस भाई इसमें बहुत वाज तौर पर वजाहत कर दूँ, गैर मुकामी से मुराद ये नहीं कि कराची में रहने वाला पंजाबी या पश्तून या कोई और नॉन उर्दू स्पीकिंग, जो कराची में रहता है, कराची में कमाता है, जिसकी फैमिली कराची में, जो मरने के बाद कराची में दफन होता है, वो कराची का है, उसका कराची वो उतना यहाँ का जितना आपका मेरा या किसी और कराची वाले का है। गैर मुकामी से मुराद ये है कि वो लोग जिनके ख़ानदान वहाँ हैं, जो सिर्फ डकैती के लिए या भीख मांगने के लिए कराची आ रहे हैं, या वो सिर्फ आते ही कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए। अभी जो कल कोरंगी में जो दो डाकू मारे गए, आप देख लीजिए अंदरून सिंध से ताल्लुक़ था, उनकी जो शनाख्ती कार्ड निकले, इससे पहले जो हुए वो सरायकी इलाकों से जो है उनके शनाख्ती कार्ड, ये वो लोग हैं जो कराची आ ही सिर्फ लूट मार के लिए रहे। इसलिए गैर मुकामी का लफ्ज तासुब नहीं, बल्कि इनकी एक प्रॉपर जो है वो रिकॉग्निशन है। और इस मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज मैंने आपको मिसाल दी कि एक वीडियो लॉग आपने जो अभी इशारा दिया कि पाकिस्तान कराची के इलाके में रैली निकाली जाती, या कराची में एक पाकिस्तानी शहरी को अगवा करके बरहना करके उसकी वीडियो बनाई जाती है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान के परचम को सलूट करो, जनाब जब आपको एक ताजिर जो अपने शिकवे का इजहार कर रहा है, आपको उसकी वीडियो नज़र आ गई, आप उसको उठा लाए, आपने उससे बयान बदलवा दिया। इससे पहले कराची एक ताजिर ने कहा उनकी दो बिल्डिंगें गिरा दी गई, उनसे उनका बयान वापस दिलवाया गया, उनको पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये गैर मुकामी डकैत आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये असलाह लिए हुए डकैत नज़र नहीं आ रहा है, ये मोटरसाइकिलों पे दंदनाते फिरते हुए। क्या हम कराची में ये बोर्ड लगा दें कि हॉर्न ना बजाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं। मैं समझ कराची में कदम कदम पर ये बोर्ड लगने चाहिए कि हॉर्न ना बजाए जाए क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कराची में एक शहरी अगवा हो जाए, बहाना करके उसकी वीडियो बनाई जाए, रैलीज निकाली जाएँ, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो? यही बलोच नौजवान अगर वहाँ कुछ बलोचिस्तान में पाकिस्तान के शिकस्त पर अगर डांस करें, उनको तो उठा लिया आपने, यहाँ आप क्यों नहीं कर रहे? तो पाकिस्तान की रिट, क्या पाकिस्तान के अंदर क्या ही पाकिस्तान है? वही रिट जो आप यहाँ इम्पोज कर रहे हैं, बलोचिस्तान में इम्पोज कर रहे हैं, वही रिट उन इलाकों में क्यों इम्पोज नहीं कर रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की रियासत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया जा रहा है? और यही हमारा शिकवा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं कई पाकिस्तान है, एक देही सिंध की अशराफिया और पंजाबी अशराफिया का पाकिस्तान है, और एक वो पाकिस्तान है जो गरीब महाजिर का है, बलोच का है, पंजाबी का है, सिंधी का है, पश्तून का है, सराइकी का है। चलें, मुझे उम्मीद है आयशा बतूल को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे सवाल हैं, मैं शायद शामिल ना कर सकूं, लेकिन मैं उनके नाम बता देता हूं। अक्सर अजीज़ ने गुलिस्तान जौहर कराची से, तौकीर भट्टी साहब का सवाल है, बाबू साहब हैं महाजिर यूथ पोलिटिकल हैं उनका है, एक दो सवाल आमिर गिलानी साहब हैं, सिदरा यासमीन सवाल, उनका सवाल पढ़ लेता हूँ मैं, कि मेरा सवाल बड़ा अहम है कि महाजिर कौम ने कायद के रूप में शख्सियत परस्ती देखी, वही कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, कायद मिल्लत जाकिर अली खान जैसे कौम का दर्द रखने वाले कायद भी देखे, क्या अब कौम से मुखलिस और कौम का दर्द रखने वाले कायद की ज़रूरत नहीं है इस वक्त हमें? शदीद सिदरा यासमीन साहिबा, इससे पहले आयशा बतूल साहिबा का मैंने जवाब दिया और बाकी जिन लोगों ने भी सवाल किए उन सबका शुक्रिया। सिदरा यासमीन साहिबा से मैं यही कहूँगा कि मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह विंडोज़ 3.1 और 95 से निकल के अब जो है वो मुझे नहीं पता, विंडोज़ अब यूज़ नहीं करता हूँ, जिस तरह लेके एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होते हैं, फ़ोन अपग्रेड होते हैं, इसी तरह जो है वो सियासी नज़रियात को भी इर्तका पज़ीर होना चाहिए मुसलसल। और मैं समझता हूँ कि अब जो दौर है वो बेसिकली शराकत का दौर है। ये एक वो दौर था जब लोग स्टालिन के पीछे गए, जो लोग कार्ल मार्क्स के पीछे गए, जॉर्ज वाशिंगटन के पीछे गए, गांधी जी के पीछे गए, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे गए, एक दौर था वो जो लोग शख्सियात के पीछे जाते थे और शख्सियात बड़ी बड़ी आई भी। मैं समझता हूँ कि अब जो दौर है ना उसमें कलेक्टिव लीडरशिप का दौर आ गया। उसकी वजह क्या है कि जब आप सारे इख्तियारात आप मुर्तकिस कर देते हैं एक शख्सियत के अंदर, मैं विद नो रेफरेंस टू अल्ताफ़ भाई, मैं जनरल आपको फार्मूला बता रहा हूँ,
कि जब आप सारे अख्तियारात एक जगह में कर देते हैं, मैं इंसान हूँ, मिसाल हमारे पास सामने कोरिया की है, हमारे पास स्टालिन की मिसाल भी है, हमारे पास हिटलर की मिसाल भी है, जहाँ गांधी जी और कायदे आज़म की मिसालें हैं, जॉर्ज वाशिंगटन की मिसालें हैं, नेल्सन मंडेला की हैं, वहाँ इसी तरह तारीख में ऐसी भी मिसालें जहाँ जन जिन लोगों को पावर दी गई उन्होंने इसको बुरी तरह अब्यूज़ किया, अपनी पूरी पूरी रियासतों को बर्बाद कर दिया। स्टालिन ने जो है वो 30 मिलियन लोगों को परजिस की नज़र कर दिया, बर्बाद दिया। तो मैं समझता हूँ कि जब कहीं निज़ाम होता है, जमहूरियत होती है, इत्तेफाक़ राय से फैसले होते हैं, वहाँ ये होता है कि अगर 10 में से 3 या 4 लोग भी गलत हो जाएं तो 6 लोग मिलके उसको सैलवेज कर लेते हैं सूरत हाल को। लेकिन जब आप सारी पावर एक शख्स में लगा देंगे और वो शख्स जो है वो किसी भी वजह से उसकी मेंटल कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो गुस्से में फैसले करता है, जज्बात में अगर फैसले करने लगता है, वो गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फैसले करता है, तो सबकी मेहनत इज्तमाई जो है वो रायगां जाती है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को बुनियादी तौर पे एक तो ईमानदार होना चाहिए, साथ साथ ये कि कलेक्टिव होना चाहिए। शहरी इलाकों को भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम एक ऐसी लीडरशिप दें, जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम एक निज़ाम दें राज देने के इंडिविजुअल। उनका अगला सवाल फॉलोअप क्वेश्चन था, मैं उसमें शामिल कर लेता हूँ कि क्या नदीम नुसरत ये जिम्मेदारी उठाएंगे? मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, मैं एक कारकुन रहा ज़िंदगी भर, और मैं समझता हूँ कि ठीक है ये मेरी स्ट्रेंथ है, और लेकिन मैं बहसीत कारकुन बहसीत एक रुकन अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार। पिंडी से हमें अजीज़ खान हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने कहा कि आर यू सीइंग एनी मुहाजिर कोअलिशन अगेंस्ट द PTI इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन टू रीगेन द लॉस्ट सीट्स ऑफ कराची? मतलब इनका इलेक्टोरल क्वेश्चन है कि आने वाले इंतखाबात में अजीज़ खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रावलपिंडी में होते हैं, मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर हैं, लेकिन वो MQM को भी फॉलो करते हैं साथ साथ, तो ये सवाल बड़ा अहम है सर। जो है वो वैलिड है, और मैं समझता हूँ नवश्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल है, PTI को कुछ भी कह लें, आज के दिन तक बहरहाल वो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक के तौर पर सामने आई है सिंध के शहरी इलाकों में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर लियाकतबाद हो गया, न्यू कराची हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, लांजर हो गया, लांडी कोरंगी हो गए, इन बहुत सारे इलाकों में लोग या तो MQM को वोट देंगे या वोट नहीं देंगे, अभी भी यही सूरत हाल है। तो PTI की पेनिट्रेशन सर्टन एरियाज़ में है, सर्टन एरियाज़ में नहीं है, आगे क्या होता है हमें नहीं पता। MQM जो है उसको अगर अपने आप को बचाना है एज ए पोलिटिकल एंटिटी, तो उसको सबको मिलाना होगा, इंक्लूडिंग फारूक भाई, इंक्लूडिंग PSP, इंक्लूडिंग जितने ग्रुप्स हैं, सबको मिला के हर इलाके से एक कैंडिडेट अगर लड़ेगा तो शायद आप PTI से ज़्यादा भी सीट्स ले जाएंगे, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि जहाँ से जीतेंगे भी तो वोट मार्जिन आपका बहुत होगा। मैं आखिर में छोटी छोटी दो चीज़ें और पूछ लेता हूँ आपसे। एक तो जो हाउ डू यू फील कि एक इस्तारा था 90 जिसको जला के खाकस्तर करके मिसमार करने की साजिश की जा रही है, और इसे क्या हासिल हो जाएगा, और क्या इस तरह से चीज़ें दबाई जा सकती हैं? लेकिन आप चूँकि एक वहाँ पे, मैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं गया, चंद एक मुलाकातें रही होंगी शुरू में, लेकिन बहरहाल एक वहाँ हम उसको एक सेंटर कराची का महवर कहा जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए और दहलीज छू कर गए। हाउ डू यू फील कि ये इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई? ये सिवाय हिमाकत की कुछ नहीं है, मैंने बल्कि एक वीडियो भी शेयर की थी उसमें कि एक फिक्शनल वो कॉमिक पिक वो है, फिल्म बनी हुई है, उसका नाम रैग्नारॉक, शायद नाम उसका रैग्नारॉक, तो मुझे उसमें ये कि एक शहर है वो तबाह हो जाता है, तो उसमें वो ही कहते हैं कि एस्गार्ड इज़ नॉट ए सिटी, इज़ नॉट ए प्लेस, इट्स अ पीपल। तो 90 की अलामती हैसियत अपनी जगह सही, लेकिन इट्स मोर नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ एज ए सिम्बल, और वो एस्पिरेशंस को, यूनिटी को, इवन लेगेसी एंड हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री को अनीस भाई, पाकिस्तान में किसने क्या नहीं कहा, मैं मानता हूँ 22 को, क्या 22 के बाद मुसलसल गलतियाँ हुई, उसका हमें दुख है, हम तो खुद इसके विक्टिम बन गए। लेकिन जब हमने देख लिया है कि एक तरफ लोगों की सपोर्ट है, ठीक है वो लेवल नहीं रहा लेकिन बहरहाल सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं जो है ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी कंडीशन पे करें, रियासत अपनी कंडीशन पे लगा सकती हो।
ये भी कहा जा सकता है भाई आप सबको लेके चलें, आप सबको मिला दें, आप सिंबॉलिक क्योंकि कर वो ही सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं समझता कि ये लोग अपनी अनाओं के बहुत इतने मजबूत हैं कि शायद ये हो जाए। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि अपोनीच भगवान है और मतलब जो कुछ है हम ही हैं, जैसे आपने फैसल सब्जवारी का भी जिक्र किया, फारूक भाई भी किसी हद तक वो एक हॉल में हैं, उनको निकलना पड़ेगा वहाँ से। अगर अगर दोनों तरफ से ताली बज जाए तो मेरा ख्याल है मसले को हल किया जा सकता है। एक एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है नदीम भाई इस पूरी जो जो ये हमारी पाकिस्तान की सियासत की तिगड़म है कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ मेजर स्टेक होल्डर, और उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान 75 साल से आगे चला है न पीछे हटा है, लेकिन ये कि उसके बगैर हो नहीं सकता कुछ, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अलाइन होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लेट जाएं, बल्कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अपने वज़न अपने कद के हिसाब से बातचीत करें और अपना रास्ता बनाएं, ना कि आप उसको माइनस करके आप एक किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा या जो भी ISI के लोग हैं उनको आपको पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम होगा? वो मेरा पैगाम ये हुआ कि सिंध के शहरी इलाकों के आवाम इस वक्त इंतहाई दिल बर्दाश्त हैं, दुखी हैं, उनको रियासत से शिकायत हैं, रियासत के रवैये से शिकायत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है आपकी कि पाकिस्तान के सर इकतदार के मालिक शहनशाह बादशाह जनरल बाजवा और हमारे रियासती इदारे हैं और हमारे यहाँ जो जो हुकूमतें होती हैं वो महज दिखावा होती हैं। ठीक है, हर मुल्क का अपना एक निज़ाम होता है, एक निज़ाम है खुशकस्मती का ही है, बदकस्मती से एक निज़ाम है और इसको जब तक है आप एक्सेप्ट करें इसको वजह से लड़ने की और जो कोशिश भी करें तब्दील करने की तो वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री और द इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये भी समझना होगा कि सिंध के शहरी इलाकों का जो रोल है उसमें भी ये नहीं पॉलिटिकल है। पाकिस्तान जो है कराची की टैक्सी से चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अगर कराची को कराची की सिर्फ जो है लियाकतबाद की मार्केट और उसके जो अतराफ के इलाके हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद की तमाम मार्केट कम्बाइंड के टैक्स से ज़्यादा टैक्स देती है। अब वहाँ पर जब इस तरह लोग कत्ल होंगे, वहाँ कचरा नहीं उठेगा महीनों, वहाँ सड़कें नहीं होंगी, वहाँ बिजली जो है नहीं होगी, तो जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो पाकिस्तान का लॉस होगा। ये इत्तलात आ चुकी हैं कि मौजूदा हुकूमत से पहले वाली हुकूमत से भी ने सब ने मिल के इलेक्ट्रिक को किस तरह नवाजा और किस तरह कराची पर कई सौ अरब रुपए का, यानी ये इंटरनेशनल जो है ना आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये डिग करके निकाला कि कराची को जो है किस तरह लूटा जा रहा है बिजली कीमत में। अब वही मैंने कहा कि वही इदारे जिनको सब कुछ नज़र आ जाता है उनको कराची के साथ होने वाली खुली नाइंसाफ़ी नज़र क्यों नहीं आ रही? इस वक्त मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म नहीं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद वज़ीर आज़म नहीं तो कम से कम मरियम नवाज़ साहिबा कराची आके चंद दिन बैठ जाएंगी। यहाँ लोग मर गए, बर्बाद हो गए, उन्होंने कारगियत का लफ्ज़ नहीं कहा, वज़ीर आज़म ने नहीं कहा, सारे वज़रा जो है वो अंदरून सिंध से होके वापस जा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकते। जनरल अगर बाजवा अगर कराची आके बैठे चंद दिन लोग कराची के ताजरों से मिलें, यहाँ पे अपना जो है वो दबाव डाल के कराची को इंसाफ दिलाने के लिए करें, आप देखिए यहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह चेंज हो जाएगी, दूरियाँ किस तरह ख़त्म होंगी। ताली आपने कहा कि दो हाथ से बचती है, तो महाजिर कब तक जो है वन साइडेड मोहब्बत दिखाएं? अब ये वक्त है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो महाजरों के ज़ख्मों पर मरहम रखें। और एक बात भाई रह गई थी जो इम्पोर्टेंट है, इससे हट के मैंने एक इंटरव्यू में कही थी और लोग बड़ा मैंने लंदन से ख़ासतौर पर जो लोग हैं उन्होंने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया उस पर, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। वो ये मुझसे सवाल किया गया था कि भाई MQM तो अल्तावाई किए वो तो वापस आ सकते हैं, मैंने कहा भाई ना मैंने उनको सियासत से अलग किया ना मेरे पास मेरी औकात के हम उनको ला सकते, जहाँ तक उनकी MQM है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बानी है MQM उनकी है, जो लोग चला रहे हैं ठीक है वो भी अपने एक सेक्शन चला रहे हैं लेकिन लेजिटिमेसी का एक इशू आता है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो सूरत हाल है उसमें ये ध्यान में रखनी होगी कि आप ये ध्यान में रखें कि 86 में जो है वो अल्तावे जेल में थे, कारकुनों ने माहौल बनाया, उनको रिहा होना पड़ा करना पड़ा हुकूमत को, 88 में अरेस्ट हुए वो जेल में थे, आप इलेक्शन जीत गए, हुकूमत ने बाज़त तौर पर उनको रिहा किया, वो 90 में लंदन में अपनी किडनी की लाश के लिए थी, बेनज़ीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन चली, हुकूमत का खात्मा हुआ, 92 में लंदन में थे ऑपरेशन हुआ, लोगों ने MQM को बहाल कर लिया, 94, 95, 96 में मावर अदालत कत्ल वो जिला वतन MQM बहाल रही। उनको ये समझना होगा कि MQM
और महाजर और एमकेएम की ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन बेसिकली एक ट्रायंगल के तीन कॉर्नर हैं। जब एमकेएम की ऑर्गेनाइजेशन और अल्तावे जब क्लिक करते थे साथ, तो आवाम साथ आते थे। अब आप ये देख लीजिए कि आज 6 साल हो गए, उन्होंने कितनी कॉल्स दी लेकिन उनकी एक कॉल भी कामयाब नहीं हो सकी उनकी वापसी के लिए। अभी 9 ग्रोह को जब आग लगाई जा रही थी, अपीलें की गई कि लोग पहुँचें, एक आदमी नहीं पहुँचा वहाँ। इसी तरह माइनस उनके आज इलेक्शन लड़ते हैं, इनका असर आपने देख लिया। लोग ये कहते हैं कि भाई एक आर्मी ऑपरेशन हो रहा है इसलिए लोग ही निकल रहे। मेरा कहने का मकसद ये कि 86 में जो कुछ हो रहा था, क्या उस वक्त रियासती ऑपरेशन नहीं हो रहा था? 87 में क्या रियासी तो ऑपरेशन नहीं हो रहा था? 90 में क्या मार नहीं पड़ रही थी? 92 में तो खुलेआम जो है वो सपोर्ट किया गया एक और ग्रुप को। लेकिन जब इस तमाम दौर में लोगों ने रियासती ऑपरेशन के बावजूद मुकाबला किया हालात का, इस दफ़ा क्यों नहीं किया? तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ है जिसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अगेन स्ट्रेंथ एमकेएम की वही थी कि टॉप लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलकर जब क्लिक करती हैं तो आवाम खुद ब खुद अपना बोझ जो है उस पलड़े में डाल देते हैं। जब तक ये दोनों एलिमेंट दोबारा एक नहीं होंगे, ये जो महाजनों की जो सब पॉलिटिकल विल्डरनेस है, जो सियासी यतीमी है, वो कंटिन्यू रहेगी। आर्मी चीफ भी कोर कमांडर्स के बगैर कुछ नहीं होता। एक सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा अल्ताफ़ भाई से करीब या उनके नज़दीक रह चुका हूँ और हूँ, और दिल से भी मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, आज मलका भी हमारे दरमियान नहीं रही और बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, हर शख्स ने चले जाना है। अल्ताफ़ भाई के बाद का कोई स्ट्रक्चर क्या आपके जहन में था, जब आप कन्वीनर थे, कि वो ऐसा बना दिया हो कि भाई ये पार्टी ऐसे चलेगी और बाद में मेरे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लड़ मत पड़ना, कोई इस तरह से महाजर जो है वो अपने एमकेएम मुत्तहिद रह के चलती रहे, कोई स्ट्रक्चर था, कोई आपके ख्याल में गद्दी नशीनी की कोई बात हुई थी कभी? नहीं, बल्कि कोई डिस्कशन छेड़ना ही बेसिकली अपनी अपने आप को मुसीबत में डाल, जरूरत नहीं हुई किसी की, नहीं, हमारी माहौल ही नहीं था बदकिस्मती से। इंशाल्लाह मैं इस पर जो मैंने कुछ लिखा है कुछ अर्से बाद वो आएगा भी, सिर्फ एमकेएम का रेफरेंस नहीं बल्कि ओवरऑल मैंने कि इस तरह की जब सियासत होती है तो उसके नतज क्या होते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब कौमों के मुस्तकबिल की बात हो तो फिर अपनी ज़ात से बात हट के सोचना होता। आज 9 ग्रोह पे आपने इसका हमने भी डिस्कस किया, आग लग गई, एक अलामत का मरकज़ आपका जो है वो जलाकर खाक कर दिया गया, दिलों में है लेकिन उसको नुकसान पहुँचाया गया। एक जो दूसरा पार्ट है अल्ताफ़ भाई का, वो उम्र के अब अपने रॉन्ग एंड पर है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इस तरह की सियासत में चले जाते हैं जिसको शख्सियत परस्ती कहा जाता है, तो जब आप जैसा आपने कहा कि मलका नहीं रही, यानी नबी करीम सल्लम जो है उन्होंने पर्दा फरमा लिया, अम्बिया कराम नहीं रहे, जो है वो औलिया कराम नहीं रहे, बुजुर्ग नहीं रहे, तो ये तो एक खुद अल्ताफ़ भाई अपनी नशस्तों में इंसानी फितरत और साइंस पे बात करते रहे, तो ये तो एक बेसिकली नेचुरल फिनोमेना है। आपने हम सब ने कुल्लू, जैसा आपने कुल्लू नफ्स ज़ायक़तुल मौत, ये ज़रूरत इस बात की कि जब आप कौम से मुखलिस हैं तो फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आप लेके चल रहे हैं वो चलता रहे अनडिस्टर्ब। लेकिन बदकिस्मती से इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन अगेन इट्स नॉट टू लेट फॉर एनीथिंग, शायद कुछ चीज़ों के लिए होता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि निज़ाम बनाने के लिए काम करना चाहिए। मुझे इल्म में है कि इस प्रोग्राम को चलने के बाद जब ये ऑन एयर होगा तो उन तक ना पहुंचने के लिए बड़ी कोशिशें की जाएंगी कि नदीम नुसरत का पैगाम अल्ताफ़ भाई ना देखें, और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि ये पूरा प्रोग्राम अल्ताफ़ भाई देखें, और वो देख रहे हैं इस वक्त आपको कैमरे में, अगर आप उनको डायरेक्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आमने सामने तो आप लोग बैठ नहीं रहे, तो मेरे प्रोग्राम के ज़रिए आज आप उनसे आंखों में आंखें डाल के क्या बात करेंगे? मैं उनकी आंखों में आंखें इसलिए नहीं डालूंगा कि मैं, मुझे अपने कद का अंदाज़ा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अपने ही कद व काठ को मद्देनज़र रखते ये कहूंगा कि महाजर अवाम बहुत तकलीफ में, आज भी हमारे कानों में उन साथियों की आवाज़ें गूंजती हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी दे दी, वो नहीं रहे, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ार हाल लोग, कितनी माँ हैं जिन्होंने जनाजों को अपने कंधों पे, क्योंकि मर्दों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, औरतों ने जनाजों को कंधे दिए। मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी पर भी, जब
आवाम की ज़िंदगी और मौत की जिम्मेदारी हो कि आपके एक लफ्ज़ से ज़िंदगी बच सकती हो या जा सकती हो, तो फिर वो लफ्ज़ अमानत होता है, फिर गुस्से में फैसले नहीं किए जाते, फिर पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, जज्बात में फैसले नहीं होते, इम्पल्सिव फैसले नहीं होते, बहुत सोच समझ के। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने ज़िंदगियाँ दी होती हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुमकिन पाकिस्तान में भी लोग बैठे हैं, PSP में भी लोग बैठे हैं, अफ्रीकी में भी लोग बैठे हैं, और ग्रुपों में भी लोग बैठे हैं, फारूक भाई के साथ, फारूक भाई समेत और लोग हैं जिन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, वो इंसान है जहाँ उन्होंने 100 अच्छी बातें की होती, जेलों में गए होते हैं, कुर्बानियाँ दी होती हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो गई है, तो ये फिर नहीं होना चाहिए कि चार लोगों को बैठा के उनकी किरदार कशी की जाए, उनको जलील कराया जाए। बाप जो होता है वो बाप, उसके लिए औलाद जो है वो औलाद ही रहती है। छोटी मोटी गलतियों पर उनको सज़ा नहीं दी, उनको खामोशी से सरजनिश की जाती है, पब्लिक में उनकी हौसला अफजाई की जाती है। जर्नैल जो होता है, अगर वो अपने ही जर्नैलों को, अगर सिपाहियों के सामने सुबह शाम सरजनिश करता रहेगा, उनकी बेइज्जती करेगा, ख़ासतौर पर ऐसी उम्रों में जब वो जब 18-19 साल के ना हो, जबकि 30-40 साल, जब उनके बच्चे हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो, तो फिर आपको इज्जत देना पड़ती है लोगों को। इसी तरह जो है निज़ाम कायम रहता है। जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये होता है कि जब लोग, जब उनके दिल दुखते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी वाहिद चीज़ जो उन्होंने कमाई है वो इज्जत, वो भी दाव पे लगी, तो फिर उनके पास रास्ता अलग करने के सब आपको चारा नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि बड़ेपन का मुजाहरा हर तरफ से होना चाहिए, और अब मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ भाई की सियासत में वापसी का भी रास्ता होना चाहिए, और इस सिलसिले में उनको भी जो कुछ उन्होंने 22 या 22 के बाद कहा, तो माफ़ी मांग चुके हैं। मैं कहीं ना कहीं अगर दोबारा वजाहत की ज़रूरत है तो वो भी करें। दूसरी तरफ रियासत को भी चाहिए कि बड़ेपन का मुजाहरा करे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। उसको बचाने के लिए अगर मेरी आपकी अनाएँ, अगर उनका हमें खून भी करना पड़े, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मुजाहरा नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझता कि अल्ताफ़ भाई का कोई मसला पाकिस्तान है या पाकिस्तान मुर्दाबाद है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान उनके दिल में रहता है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नहीं कह सकते। गुस्से में आके एक बाप की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से जो औलाद को गालियाँ दी जाती हैं वो दी जा सकती हैं। हम सब तनकीद करते हैं, हमारा अपना अपना लेवल है। उनके पास ताकत का एक ज़ाहिर एक ज़ोम भी था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, और साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर दीं कि शायद जो वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो उनको इन्फ्लुएंस था कुछ लोगों का, उस वक्त के इर्द गिर्द के लोग, और वो लेवल ऑफ राबता कमेटी नहीं था जो कि एक ज़माने में हुआ करता था, एक इंटेलेक्ट किचन कैबिनेट का, तो वो उस वक्त वो बातें गाहे बगाहे 2016 से करते आए, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक साल के अंदर उनके रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो पुराने वाले अल्ताफ़ भाई नज़र आ रहे हैं मुझे, और उसमें उनका वो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के दायरेकार में और आइन के हदूद में रहते हुए, और पाकिस्तान जिंदाबाद जो कि वो शुरू से पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाला कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद कह नहीं सकता, तो मुझे उम्मीद नज़र तो आ रही है। अब रियासत इसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये एक मामला है, और काश के ऐसा हो जाए कि आने वाले इलेक्शन तक कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि किसी हद तक, क्योंकि वो भी इस हद तक फाल नज़र नहीं आते फिज़िकली भी और दूसरी सतह से भी, कि वो लीड कर सकें बिल्कुल बाहर निकल कर, तो उसके लिए उनको अपने कोर कमांडर्स को ही थपकी देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि नदीम नुसरत एक ऐसा नाम है, नदीम नुसरत एक ऐसा रहनुमा है MQM के कन्वीनर की शक्ल में, जो हमने देखा कि वो उसने पार्टी को अपने उरूज तक लेकर गया, तो अल्ताफ़ भाई को भी ये सोचना चाहिए और ये सोचना होगा। नदीम भाई, आखिर में जो आपको कराची और अरबन सिंह के लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और वो उन्होंने आपको समझा आज और आपको वैसे भी जानते हैं, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि फ्यूचर का आपका लाए अमल और आपकी पॉलिसी क्या है वॉइस ऑफ कराची की? भाई, हमारा ऐसे भी एक नुकाती एजेंडा है, और हमने कहा भी कि अगर अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। मैं दोबारा दर्स व तदरीस में मशगूल हो जाऊँगा। यही है कि किसी तरह से इनके शहरी इलाकों को इंतज़ामी तौर पे इतना बाख्तियार बना दिया जाए, मैं सिर्फ माजरों की बात ही कर रहा हूँ, इतना कर दिया जाए कि जो लोग बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पानी जो है चंद मिनट की बारिश और हफ्तों पानी रहता है, कोई गटर में गिर के मर जाता है, कोई करंट से मर जाता है, कोई कचरे में गिर के मर जाता है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। कराची वाहिद, मैं कराची की नहीं बल्कि पूरे सिंध की शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं देही इलाकों भी कहूँगा कि वहाँ भी कोई ज़िंदगी अच्छी नहीं है।
हमारा मुतालबा ये नहीं है, हम कुछ चांद तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बुनियादी सिविक जो उनकी ज़रूरियात है वो डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। चाहे आप सिंध में रह के करें, हमें आप पंजाब का हिस्सा बना के कर दें, आप हमें केपी का हिस्सा बना के कर दें, आप हमें कश्मीर का हिस्सा बना के, आप हमें हमारा कोई और नाम दे के, सिर्फ ये है कि जो आज शख्स भी जहाँ रहता है उसको उसके डोर स्टेप पे वो मिले कि इंटरनेट आ रहा हो, बिजली आ रही हो, साफ पानी आ रहा हो, सफाई हो रही हो, घर से निकले बस में जाए तो बस अवेलेबल हो, ट्रेन में जाए ट्रेन अवेलेबल हो, सड़क पे जाए तो ट्रैफिक का एक निज़ाम हो, पुलिस वाला रोक के जो है उससे वो उसका सब कुछ छीन ना ले, उससे मतलब पैसे का मुतालबा ना करे, उसका बच्चा कॉलेज में एडमिशन के लिए जाए तो उसको ये ना पूछा जाए कि तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ का है। कराची के जब तलबा कराची यूनिवर्सिटी में उनको सुबह में दाखिला ना मिले लेकिन जामशोरों से दादू से सांगड़ को से आने वाले को मिल जाए, तो फिर नाइंसाफ़ी है ना। आप ये कहें कि ये सिंध तो सबका है, तो सांगड़ में अगर से आने वाले को अगर कराची यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो कराची वाले को अंदरूनी सिंध में दाखिला क्यों नहीं दिया जाता? अगर सिंधी पुलिस वाले को ब्यूरोक्रेट को कराची में हक है तो कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग को हक क्यों नहीं कि वो लाड़काना का कमिश्नर बन सके? ये तो कोई मतलब इंसाफ नहीं होगा ना कि आप ये कहें कि वहाँ रहने वाले सबका हक कराची पे, लेकिन कराची वाले का हक कहीं भी नहीं है। तो ये नाइंसाफ़ी तो आपने ख़त्म करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि हम यही एक पॉइंट है, इसमें एक चीज़ मैं बहुत अहम भाई ज़रूर कहूँगा कि एमकेएम के जितने ग्रुप हैं ना उनमें एक जो मुखालफत होती है जब भी ये होता है कि भाई लंदन की वापसी का हो रहा है, उन ग्रुपों में सबसे ज़्यादा मुखालफत होती है। उसकी वजह क्या है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से हट के ज़्यादा एक खौफ है कि जो एक जिस तरह सोशल मीडिया पे होता है हम आ रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हेलो आने वाला है हाँ नहीं हो, पर वो जो धमकियाँ मिलती ना लोगों को कहा जाता है कि तू ये देख लेंगे तू ये था तू वो था, तो फिर ही जहन में रखिए कि जो लोग वहाँ बैठे हैं जब उनको ये लगेगा कि वापसी की सूरत में उनके घरों को जलाया जाएगा उन्हें कतल जी इन थ्रेट तो कौन चलाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जब भी इस तरह का सिलसिला वो वापसी का वहाँ पे एक तसलसल के साथ लोगों को हिरासत किया गया है। ये चीज़ लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि जब वापसी होनी चाहिए लेकिन साथ साथ ये भी कि नहीं अगर किसी ने देखिए हर आदमी लंदन का अमरीका या कनाडा हमारी आपकी तरह नहीं रह रहा ना, 22 के बाद लोगों ने किन किन हालात का सामना किया बेशक चॉइस क्या थी, आज जितने लोग लंदन में बैठे हैं वो कराची क्यों नहीं चले? अभी 9/0 पे जब आग लगी तो जो लोग मैसेजेस चला रहे थे वो लंदन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा से बैठ के चला रहे थे कि सब 9/0 पहुँच। खैर ये सवाल तो हम उनसे पूछेंगे अगर उन वो हमें मौका देंगे तो हम ये सवाल उनसे करेंगे कि उनमें से कितने लोग हैं जो ग्राउंड पे उतरने को तैयार हैं, लेकिन वो बहरहाल वो उन्हीं से चूंकि वो मौजूद नहीं है तो हम अभी उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं कि उनको उन लोगों को ये समझना होगा कि भाई जिनको आप बुरा कहते हो ना उनके हालात हमारे आपके जैसे नहीं है, कभी किसको कब कौन उठा के ले जाए, क्यों कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर किसका कर दिया जाए, तो भाई आपको समझना होगा उनकी मजबूरियों को उनकी मुश्किलात को। 22 अगस्त के बाद जिस सूरत हाल को उनको सामना था उनका फैसले के पीछे वो सूरत हाल को आप इग्नोर करके उनके फैसले को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने गलत किया फैसला सही किया जो हो गया आगे की तरफ देखें, सब हमारे बच्चे हैं सब हमारे साथ हैं सबको सीने से लगाते हैं सबको गले से लगाते हैं हम सब भाई भाई हैं हम सब बहन भाई हैं हम सबको मिल के चलना होगा आगे। अगर किसी ने कल को कुछ अच्छा कह दिया बुरा कह दिया हमें जब हम इस्टेब्लिशमेंट से तवक्को करते हैं कि हमारी सारी चीज़ें भूल के आगे की तरफ देखेगी तो फिर हम अपने लोगों के साथ ये सलूक क्यों नहीं कर रहे? हमें मैसेज देना होगा कि इंशाल्लाह वापसी होगी, जब वापसी होगी तो वो सिर्फ ये नहीं हो कि वो टॉप लीडरशिप की होगी बल्कि हर आदमी के लिए वापसी का रास्ता खुला होगा। जो था पहले जैसा सूरत हाल वो वापस उसको रिवाइज कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम नुसरत साहब वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी दिल की बातें हुई उनसे और हकाइक और फैक्ट्स सामने रखे ताकि आपके जहन में भी ये हो कि जो अफवाहें होती हैं जो सोशल मीडिया आपको दिखाता है वो क्या होता है और असल हकीकत क्या होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस तरह इंटरव्यूज़ के इन सिलसिले को ख़ासतौर पर शहरी सिंध के हवाले से जारी रखेंगे। आने वाला इंटरव्यू किसका होगा इसके लिए आपको आने वाले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। टैग टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस फारूकी का प्रोग्राम यहीं तक था। हैव अ ग्रेट इवनिंग।